आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आम आदमी पर टैक्स का बोझ लादकर विधायक खरीदने में लगी हुई है। सिंह ने कहा कि आज जनता महंगाई की मार से जूझ रही है, लेकिन बीजेपी सरकार अपने दोस्तों के कर्ज माफ करने में लगी हुई है। सिंह ने विपक्ष पार्टियों पर इंटेलिजेंस के पड़ रहे छापों पर भी सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी आम जनता के टैक्स के पैसे से विधायक खरीदने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ ही कई राज्यों के विधायक खरीदे गए, ये हम नहीं जनता भी जानती है। बीजेपी ने दिल्ली में विधायक खरीदने की नाकाम कोशिश की है। विधायकों को करोड़ों का लालच दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी क्रांति से निकली हुई पार्टी है, बिकाऊ नहीं है। बीजेपी सरकार में महंगाई जहां चरम पर है, आम आदमी घर चलाने और बच्चों की फीस भरने के लिए मोहताज हो रहा है, वहीं केंद्र की सरकार ने अपने दो दोस्तों का करीब 10.5 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। आज देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के ऊपर टैक्स लादकर, बेरोजगारी बढ़ाकर, महंगाई बढ़ाकर जनता से पैसे वसूल रही है, और दूसरी तरफ इस पैसे को दो चीज़ों पे तेज़ी से इस्तेमाल कर रही है। पहली चीज़, ये विधायक खरीद कर विपक्ष की पार्टियों के सरकार गिराने का काम कर रहे हैं और अपनी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। अब तक 6300 करोड़ का मामला इस तरीके का सामने आ चुका है, तो ये क्या खेल है। दूसरी तरफ इस पैसे को अपने मित्रों के, जो चंद पूंजीपति हैं, 10.72 लाख करोड़ रुपए माफ करने के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात में शराबबंदी के नाम पर बीजेपी के लोग अवैध तरीके से धंधा करते हैं, यह आरोप मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के पंकज सिंह ने लगाया है। उन्होंने कहा, जहां हाल ही में शराब पीने से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई, गुजरात के एक पोर्ट से करोड़ों की ड्रग्स बरामद की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई उस तरह नहीं की गई। पंकज सिंह ने शिवराज सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार कर्ज में डूबती जा रही है, बिना पैसे के कोई काम नहीं कर रहा है, कारमबाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, लेकिन यहाँ सीबीआई और ईडी की रेड नहीं पड़ रही है। जो भी बीजेपी में आता है उसके सब पाप धुल जाते हैं। उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया पर लगाए गए आरोपों में कुछ हासिल नहीं हुआ है। बीजेपी अलग अलग मनगढ़ंत भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। दिल्ली में शिक्षा को प्रभावित किया जा रहा है। गुजरात के भी मैंने मामले रखे हैं कि किस तरीके से उनके मित्र के पोर्ट में 22,000 करोड़ का ड्रग्स मिला है। 50 से ज़्यादा लोगों की गुजरात में शराब पीने से मौत हुई है। अन्य जगहों पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी सीबीआई जांच करें, उन पर भी कार्यवाही करें, और लोकतंत्र की इस खरीद परोक्त के माध्यम से जनता पे बोझ डालकर महंगाई का, बेरोजगारी का, हत्या करने के ये जो मामले आ रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी विराम लगाए। नहीं तो जनता देख रही है, आगामी चाहे वो गुजरात के चुनाव हों, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव हों, चाहे हिमाचल के हों, चाहे फिर लोकसभा 2024 में, जनता आपको आपकी हकीकत दिखाएगी और आपको असली जगह दिखाने जा रही है। न केवल इतना ही खेल है, बल्कि विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए ये लोग सीबीआई और ईडी का डर भी दिखाते हैं। तो सीबीआई और ईडी का डर ये अन्य जो लोग इनकी पार्टी में भ्रष्ट हैं उनको भी दिखाएं। और What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।